दुर्ग जिला बैडमिंटन संघ द्वारा 5 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिनवानी स्थित शंकराचार्य हॉस्पिटल परिसर में किए जा रहे इस भव्य आयोजन में प्रदेश भर से लगभग 400 प्रतिभागी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। 11 वर्ष और 13 वर्ष के ग्रुप में यह प्रतियोगिता 12 तारीख से 16 तारीख तक होगी। इस आयोजन को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर से बच्चे इस आयोजन में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम के बारे में जानकारी आयोजनकर्ताओं ने मीडिया को कुछ इस प्रकार से दी। मैं रायपुर से आया हूँ। मुझे 4 साल हो गए हैं ये गेम खेलते हैं और ये मैं तीसरी बार खेल रहा हूँ। 2 बार डिस्ट्रिक्ट खेला था और ये अभी स्टेट खेल रहा हूँ। मैं रायपुर से आया हूँ। मैं 1.5 साल से खेल रहा हूँ। हाँ, मैं 2 बार खेला हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट और ये अभी जो खेल रहा हूँ स्टेट। आयोजन अंडर 13 एंड अंडर 11 के गर्ल्स एंड बॉयज़ के मैचेस हैं। टोटली प्लेयर 150 अप्रॉक्स हैं, जिसमें गर्ल्स 50 पार्टिसिपेंट हैं और 100 बॉयज़ हैं। पहली बार हुआ है ये अंडर 11 के मैचेस और बहुत ही शानदार तरीके से आयोजित भी हुआ है। प्लस बच्चों का उत्साह बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट टाइम BI में भी ये इम्प्लीमेंट हुआ है कि अंडर 11 के नेशनल होंगे, जिसके लिए ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। छोटे बच्चों का उत्साह बहुत बहुत ज़्यादा है। मैं डोंगरगांव से बिलोंग करता हूं और डोंगरगांव से आया हूं यहां पर अपने बच्चे को लेकर के। आदित्य पांडे पार्टिसिपेट कर रहे हैं अंडर 13 और इसी बीच वो सेजेस स्कूल का, स्वामी आत्मानंद स्कूल का स्टूडेंट है। इसी बीच में उसका एक मैच स्कूल गेम्स भी चल रहा था जिसमें वो डिवीज़न के लिए सेलेक्ट हुआ था और आज उसको कवर्धा जाना था खेलने के लिए, लेकिन हमने इस टूर्नामेंट को प्रायोरिटी देते हुए, CGBA के टूर्नामेंट को प्रायोरिटी देते हुए उस मैच को हमने लेफ्ट किया। इस तरीके का आयोजन ये पहली बार ऐसा मेरे देखने में हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आयोजन का स्तर काफ़ी अच्छा है और बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया टूर्नामेंट है। जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि हमारे यहाँ पहली बार अंडर 11 की स्टेट चैम्पियनशिप हो रही है। अंडर 13 का 21st मिनी स्टेट बैडमिंटन चैम्पियनशिप है जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के प्लेयर्स आए हैं। आज से मेन ड्रॉ शुरू हो रहा है बच्चों का और इसमें 155 पार्टिसिपेंट्स हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के उनके सिंगल्स और डबल्स के आयोजन होंगे पूरे अगले 3 दिन तक। कल क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल है और परसों फाइनल्स।